गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए पार्ट थर्ड होम साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने यूनिट फर्स्ट में टॉपिक फर्स्ट किया जो था हमारा ग्रह प्रबंध क्या है और उसकी अवधारणा क्या है। फिर सेकंड टॉपिक में हमने किया परिवार, उसकी अर्थ, उसके परिभाषा, उसके प्रकार और उसकी विशेषताएं। अब बात करते हैं हम टॉपिक थर्ड की। टॉपिक थर्ड में हम करने जा रहे हैं ग्रह प्रबंध को प्रेरणा देने वाले कारक, जो कि क्या है, तीन होते हैं मुख्य प्रकार के जो कारक हैं वो तीन होते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। मूल्य मीन्स वैल्यू, गोल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो क्या है, इन्हीं के सारे क्या है, हमारे जीवन की जो भी इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति की जाती है। पारिवारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने, घर में सुखद वातावरण बनाने तथा परिवार के सदस्यों की सुख, उन्नति एवं संतुष्टि के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करना क्या है, नितांत आवश्यक है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या है, मनुष्य निरंतर संघर्ष करता रहता है और क्या है, तथा विकट से विकट समस्याओं को सहज स्वीकारते हुए उनको क्या करता है, उनका समस्याओं का निराकरण करता है और उनको जो हमारे लक्ष्य होते हैं उनको अचीव करता है। इस प्रक्रिया में से कई निर्णय लेने पड़ते हैं। यह निर्णय कुछ कारकों द्वारा क्या होते हैं, निर्देशित होते हैं। इन्हीं शक्तियों को क्या कहते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर कहते हैं। और क्या है, ग्रह प्रबंध या ग्रह व्यवस्था के तीन उत्प्रेरक कारक हैं। ग्रह प्रबंध के तीन उत्प्रेरक क्या है, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ये तीनों आपस में क्या है, इनमें क्या है, मान लो इनमें घनिष्ठ संबंध है, इन तीनों में घनिष्ठ संबंध है, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और इन्हीं के द्वारा क्या है, हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। तो ये तीनों क्या है, हमारे उत्प्रेरक कारक हैं। उत्प्रेरक कारक हैं किसके हैं, ग्रह प्रबंध के। ग्रह प्रबंध के क्या हैं, उत्प्रेरक कारक हैं। और ये है कि इसे क्या है, इसे निम्न त्रिकोण द्वारा दर्शाया गया है। और क्या है, मूल्य त्रिकोण का क्या है, जो मूल्य होता है वो त्रिकोण का मुख्य बिंदु होता है और जो लक्ष्य और स्तर होते हैं वो क्या है, अधिक महत्वपूर्ण, इसके बजाय ये कम महत्वपूर्ण होते हैं। यद्यपि यह अधिक अस्पष्ट और सुनिश्चित नहीं होते हैं मूल्य, और ना ही हमें क्या है, दिखाई देते हैं, तो इसलिए इनको समझ पाना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल होता है। इनको बता पाना भी क्या होता है कि मेरे मूल्य ये हैं, उनको बता पाना भी क्या है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। लक्ष्य एवं स्तर मूल्यों पर क्या है, अपना प्रभाव डालते हैं। ये दोनों मिलकर मूल्य पर अपना प्रभाव डालते हैं। अब बात करते हैं मूल्य की। अब हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे मूल्य के बारे में कि मूल्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मूल्य क्या है, अक्सर साधारण बोलचाल की भाषा में मूल्य की बात करते हैं, इसे समझते हैं, परंतु इसे स्पष्ट करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसे परिभाषित करना भी थोड़ा क्या है, मुश्किल होता है। मूल्य अस्पष्ट, अनिश्चित एवं आत्मगत होता है। यह मानवीय व्यवहार को प्रेरित करने वाला एक मुख्य उत्प्रेरक होता है, यानी हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं उनको जागृत, उनको कि हमें ये अचीव करना है, उसके लिए मेन जो है उत्प्रेरक कारक क्या है, हमारे अंदर से जो होता है ना कि ये वाला हमें ये काम करना है, आज करना ही है, तो वो कौन करता है, वो क्या है, हमारे मूल्य करते हैं। बिना मूल्यों के क्या है, व्यक्ति क्या है, विकास की ओर नहीं बढ़ सकता है। यानी विकास किसके सहारे चलता है, मूल्यों के सहारे क्या है, हम विकास की ओर अग्रसर होते हैं। वास्तव में मूल्य व्यक्ति के जीवन के प्रेरक बिंदु होते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक जो भी
ये सारा क्या है, हमें हमारे क्या मूल्य होते हैं वही क्या है, बड़े बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ रखना क्या है, ये हमारा हमारे क्या है मूल्य होते हैं। लेकिन क्या है, जैसे कि गाय को हम पूजते हैं, माता मानते हैं, और जो तुलसी का पौधा होता है वो सब भगवान को चढ़ाते हैं, उसे पवित्र माना जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारे मूल्य होते हैं। परंतु इसके विपरीत क्या, विदेशों में ऐसा नहीं है, वहां पर क्या है बुजुर्गों को रखना क्या है उनका अपना अधिकार नहीं मानते, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते कि बुजुर्ग हमारे साथ रहेंगे, वहां किसकी जिम्मेदारी होती है, सरकार की होती है। तो इस प्रकार से क्या है, वहां पर क्या है कि ये अलग अलग होते हैं। तो सभी जगह पर क्या है मूल्य है वो व्यक्ति दर व्यक्ति व्यक्ति प्रति व्यक्ति क्या है डिफरेंस होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मूल्य का विशिष्ट स्थान है, इसी से उसे सुख शांति संतोष मिलता है। मूल्य ही उसे आगे बढ़ने सोचने समझने तरक करने में कार्य करने की क्या है शक्ति प्रदान करते हैं। पारिवारिक एवं सामाजिक संस्कृति में भिन्नता के कारण मूल्यों में भी क्या है भिन्नता पाई जाती है। सभी के मूल्य बताया था कि अलग अलग होते हैं। यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मूल्य एक जैसा ही हो, हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन मूल्यों का निर्माण प्राणी मात्र की सेवा एवं भलाई के लिए ही किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या है जीवन मूल्य का कोई अर्थ नहीं है। यह तो ठीक उसी प्रकार हो गया कि उस पंख कटे पक्षी या बिना जड़ के वृक्ष के समान है, जिसका अस्तित्व अल्प समय में ही क्या हो जाता है समाप्त तो हो जाता है। अब बात करते हैं हम यथार्थ में मूल्य कार्य करने की विधियों वृत्तियों तथा लक्ष्यों की चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली व्यक्ति या अव्यक्त वांछनीय क्या है एक धारणा है। अब बात करते हैं मूल्य की परिभाषा की कि मूल्य की कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं। अलग अलग दार्शनिकों दर्शन शास्त्री होते हैं, उनके समाज शास्त्रियों अर्थशास्त्रियों और क्या है विद्वानों के द्वारा क्या है अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, जो कि कुछ की क्या हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निकिल एवं डॉर्सी की बात करते हैं। सबसे पहले हम निकिल एवं डॉर्सी के अकॉर्डिंग कि वो क्या कहते हैं, निकिल एवं डॉर्सी कहता है कि क्या मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले कारक हैं, यही न्याय विवेचन तथा विश्लेषण के करने हेतु आधार प्रदान करते हैं, तथा इनमें यह गुण होता है जिससे कि क्या है विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन को संभव बना सके। तो ये क्या थे निकिल एवं डॉर्सी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं फ्लेवेलिक के शब्दों में, फ्लेवेलिक क्या कहते हैं, फ्लेवेलिंग के शब्दों में कि फ्लेवेलिंग इसके बारे में क्या कहते हैं। फ्लेवेलिंग कहते हैं कि क्या है समस्त मूल्य मानवीय होते हैं, व्यक्ति के द्वारा क्या है मूल्य का सर्जन किया जाता है और मनुष्य के उसका मूल्यांकन किया जाता है और फिर उसका क्या है उपभोग किया जाता है। तो इसलिए मैंने ये बात फ्लेवेलिंग में कही है। अब क्या है मिड मार्गरेट क्या कहता है, मिड मार्गरेट के अनुसार वो क्या कहते हैं मूल्य व्यक्ति एवं समाज दोनों को क्या करता है प्रभावित करते हैं, इन्हीं मूल्यों के आधार पर व्यक्ति अपनी मनोवृत्तियां बनाता है और इन मनोवृत्तियां के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को क्या करती हैं प्रभावित करती है ये। अब बात करते हैं अगली उसकी साजे एवं विलियमसन के अनुसार, साजेन एवं विलियमसन के अनुसार, विलियमसन के अकॉर्डिंग कि वो क्या कहते हैं, साजेन
भाषाएं। अब बात करते हैं मूल्य की विशेषताओं के बारे में कि मूल्य की क्या विशेषताएं होती हैं। कुछ विशेषताएं भी होती हैं जो मुख्य प्रकार से हैं। पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक, राजनीतिक आदि कारकों से व्यक्ति के मूल्य में क्या है, भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न संस्कृति के लोगों के जीवन में के मूल्य भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और फिर इन्हीं मूल्यों के द्वारा वह अपनी कुछ विशेषताएं भी होती हैं जो सभी के लिए समान होती है। मूल्य की विशेषताएं क्या है, निम्न है, निम्नलिखित है। जैसे कि क्या है, सबसे पहले मूल्य क्या होते हैं, व्यक्तिगत तो होते हैं और इन्हीं कारण से मूल्य ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा ही वो क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। फिर आती है मूल्य स्थाई एवं अस्थाई, दोनों प्रकार के होते हैं। शक्ति, प्रतिष्ठा एवं सफलता के वास्तविक मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है क्योंकि ये स्थाई होते हैं। कुछ मूल्य अस्थाई होते हैं जिनमें इनमें क्या है, परिवर्तन कितनी अधिक मंद गति से होता है जिसका अनुभव आसानी से नहीं किया जा सकता। जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मूल्यों में होने वाला परिवर्तन, यह परिवर्तन बहुत बाद में दिखाई देता है, साथ ही साथ दिखाई नहीं देता है। दादी पोती के मूल्यों में परिवर्तन, माँ बेटी के मूल्यों में परिवर्तन, ये क्या है, मूल्यों में परिवर्तन होते हैं, यानी क्या है, ये विशेषताएं होती हैं। उसके बाद बात करते हैं मूल्य ऐच्छिक एवं संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है मूल्य निर्देशात्मक होता है, यह व्यक्ति को कार्य करने की क्या करता है, प्रेरणा देता है। मूल्य व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है, यह व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्प्रेरक की भांति क्या करता है, कार्य करता है। मूल्यों को नापा व अध्ययन किया जा सकता है। हाँ, इनकी गणनात्मक विधि, इनकी जो गणनात्मक विधि से इसे नापना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है, यानी इनको गणना नहीं की जा सकती लेकिन मापा जा सकता है इसको, परंतु गुणात्मक विधि से अभिव्यक्त किया जा सकता है। जैसे कम, अधिक, बहुत ज्यादा, अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा, बहुत बुरा, इस प्रकार से इसकी गणना की जा सकती है लेकिन इसको मापा नहीं जा सकता कि कितना हो गया है, इतने ग्राम हो गए, इतने किलो, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, मूल्य सामान्य तथ्यों पर आधारित होते हैं तथा स्थान, माहौल एवं परिस्थितियों के अनुसार क्या है, परिवर्तित होते रहते हैं। उदाहरण, एक ही व्यक्ति का मूल्य घर, बाहर, कार्यस्थल, खेल के मैदान में क्या है, अलग अलग हो सकता है। तो क्या है, कार्यस्थल पर व्यक्ति का मूल्य घर के मूल्य से भिन्न होगा। और क्या, घर में वह पिता पति के रूप में मूल्यों को क्या है, अलग रूप से निर्धारण करता है, जबकि कार्यस्थल में अपने पद की गरिमा के अनुरूप वो क्या करता है, निर्धारित करता है। इसी तरह खेल के मैदान में वह खिलाड़ी के रूप में अपने मूल्यों को स्वीकारता है। मूल्यों में स्वनिर्माण एवं विकास करने की क्या होती है, योग्यता होती है। और क्या है, मूल्यों की तीव्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। मनुष्य उन्हीं मूल्यों को महत्व देता है तथा अपनाता है जिसे वह क्या है, सर्वाधिक पसंद करता है। उदाहरण, एक व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, ईश्वर, भजन, पूजा, पाठ को अधिक महत्व देता है जबकि दूसरा